को लेके बॉलीवुड कितना एक्साइटेड है? वेल, अनिल कपूर हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ खास और क्या कुछ नया इस बार होने वाला है आईफा में? ये जो इस साल का जो आईफा है उसमें मेरे ख्याल से इट्स वेरी वेरी यूथ डोमिनेटेड, तो आपको मैं यही कह सकूंगा इट्स वेरी यूथ डोमिनेटेड। और हर साल की तरह हमने कोशिश की है कि इसे यू नो पिछले साल से और बेहतर बनाएं। यूथ डोमिनेटेड आईफा है, काफ़ी सारे नए उभरते कलाकार हमारे बॉलीवुड में आ चुके हैं। कौन सा यंग एक्टर है जो आपको लगता है इस बार सबसे ज़्यादा एंथू और सबसे ज़्यादा धूम मचाएगा स्टेज पे? बिकॉज अर्जुन, रणवीर, शाहिद, ऋतिक, यू नो दे आर ग्रेट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सोनाक्षी भी है, दीपिका पाडुकोन है, अपना क्या नाम अनुष्का है, तो इन सब दे ऑल आर यू नो टेरिफिक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग देम। अनिल जी, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आपका डांस, आपका जो सिग्नेचर स्टेप है काफ़ी पसंद करते हैं और जो यूथ है वो काफ़ी बार इमिटेट भी करता है। अभी जो नया लॉट है बॉलीवुड में, जो नए यंग एक्टर्स हैं, उनमें से कौन है जिसका डांसिंग स्टाइल या कोई डांस स्टेप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है? ये तो मेरे दोस्त के बेटा, ये बेटा है टाइगर श्रॉफ, तो वो तो कुछ अजूबा है, यू नो वो नॉर्मल लगता नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डांसर है इस वक्त। अच्छा, इस बार मलेशिया में आए हैं, यहाँ पे कैसा एम्बियंस मिला जब आप आए? फैंस जो यहाँ के हैं उनमें कितनी एक्साइटमेंट है? देखिए, मैं पहले जब उन अनाउंस करने आए थे तो उस वक्त से लेकर आज तक ये जो एक्साइटमेंट है फैंस की यहाँ बढ़ती जा रही है। और मलेशिया तो हमेशा मशहूर रहा है, ये इन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत ही पसंद किया है। यही नहीं कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, मलेशियन जो लोकल भी है वो उन्हें भी हमारी फिल्म बड़ी पसंद है। चलिए, हम देखते हैं यहाँ के लोगों में कितना एक्साइटमेंट है और आईफा अवार्ड्स लोग कितना एंजॉय करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। भावना मुंजा, अलजीनी दिया, मलेशिया। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।